राधे राधे जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन की व्रत कथा सुनेंगे। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतम मे च धदाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ दुर्गा के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अथवा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की उपासना की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन पवित्र मन से पूजा और उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने, व्रत करने, दान करने से मनुष्य भव सागर से पार उतर जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि वैभव और उन्नति की वो ले जाती है। अतः मनुष्य को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करके व्रत उपवास और दान अवश्य करना चाहिए। रोज एक छोटी बच्ची को भोजन करा के उसे लाल चुंदड़ी उड़ाएं और फल और दक्षिणा जरूर देवें और उसके चरण जरूर धोएं। आइए अब हम नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य छीन लिया। उन्हीं ने सूर्य चंद्रमा कुबेर वरुण का अधिकार भी छीन लिया। वायु और अग्नि का काम भी वे दोनों करने लगे। उन्होंने सभी देवताओं को अपमानित करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिन देवताओं के अधिकार शुंभ और निशुंभ ने छीन लिए वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे, क्योंकि उस देवी ने एक बार उन देवताओं को वरदान दिया था, तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार करके पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंच गए और भगवती की उपासना करने लगे और देवता बोले कि हे देवी, हे महादेवी, आपको नमस्कार है। शिवा को सदा नमस्कार है। प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। भगवती को नमस्कार है। रुद्र रूपा को नमस्कार है। नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमस्कार है। ज्योत्सना रूपिणी चंद स्वरूपा सुखमयी देवी को नमस्कार है। प्रणाम करने वाले को उन्नति प्रदान करने वाली हे देवी, हे सिद्धि स्वरूपा, आपको नमस्कार है। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी को नमस्कार है। संकट को पार कराने वाली दुर्गपारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धुमरा देवी को बारंबार नमस्कार है। सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप वाली देवी को बार बार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जंतुओं में शुदा और छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भांति कांति जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में व्रति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति करी, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा वह मंगला रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे, हमारी आपत्तियों को दूर करे, दुष्ट देवताओं से संतापित हम सभी देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता से समस्त मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का वे नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले कि हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी वहां आई। उस समय सुंदर भवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर के कोष में से प्रकट होकर शिवा बोली कि सभी देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए हैं, संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए हैं, ये मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तभी श्री पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, उसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से वे प्रसिद्ध हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा तो उन्होंने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है, ऐसी परम सुंदरी स्त्री न कभी देखी है न ही देखेंगे। हे असुर राज, वह देवी कौन होगी इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे आप ग्रहण कर लीजिए। वह स्त्री क्या है, वह तो रत्न है, उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से वे सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्यंदर, वह वहां बैठी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उन्हें ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, जब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसे यह सारा समाचार कहो और ऐसा उपाय करो कि वह प्रसन्न हो जाए और शीघ्र ही मेरे पास आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर वह देवी वह अप्सरा बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी और कोमल शब्दों में कहा, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उनका दूत हूँ, उनका समाचार मैं लेकर आया हूँ। हे देवी, मेरे स्वामी ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। मेरे स्वामी ने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, यज्ञ के भाग मैं पा रहा हूँ, त्रिलोक के सारे रत्न मेरे पास हैं, इंद्र का एरावत हाथी मेरे पास है, देवताओं का उच्च श्रवा घोड़ा भी मेरे पास है, जितने भी देव गंधर्व नागों के पास रत्न रूपी वस्तुएं हैं वे सभी मेरे पास है। हे सुंदरी, तुम मेरे हो जाओ और मेरे पास आ जाओ। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे स्वामी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे स्वामी तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब जो तुम्हारी इच्छा है वह हमें बताओ।
तुम हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ में से किसी को भी वर के रूप में चुन लो और तुम मेरे स्वामी के साथ विवाह कर लो, क्योंकि उनके पास अतुल ऐश्वर्य प्राप्त है। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो और फिर मेरे स्वामी के साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले कि जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी ने गंभीर वाणी में मंद मुस्कान बिखेरते हुए बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और वैसा ही निशुंभ भी है। किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार से मैं मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो भी मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को तोड़ देगा, मेरे से ज्यादा बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता से मेरे साथ प्राणी ग्रहण करे। दूत बोला कि हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सके। तू तो फिर एक स्त्री है और अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिस शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर नहीं सके, भला तू स्त्री होकर उनका सामना कैसे करेगी? इस तरह मेरे साथ चलने में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा है, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। तब देवी बोली कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने यह बात नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उन्हें जो ठीक लगेगा वो करेंगे। ऋषि बोले कि देवी का इस प्रकार का वचन सुनकर वह दूत क्रोध से लाल पीला हो गया और वापस लौट गया। फिर दैत्यराज को विस्तार से संपूर्ण बातें बताई। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से भर गए और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोले कि हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना को साथ लेकर उस दुष्टा के केशों को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ, और उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई आता है, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सबको मार डालो। ऋषि बोले कि आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन 60,000 असुरों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि अभी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, तेरे बालों को घसीटते हुए बलपूर्वक मैं लेकर जाऊंगा। देवी बोली कि इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम दैत्येश्वर ने तुम्हें भेजा है और तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना लेकर भी तुम आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले कि जब इस प्रकार का उस दैत्य ने उत्तर सुना तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। अब तो देवी अंबिका ने भी हुक्कार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना में क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सेना और अंबिका के बीच युद्ध हुआ। अंबिका ने तीक्ष्ण बाण, शक्तियां और फरसे बरसाने शुरू कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से, कुछ को अपने जबड़ों में दबाकर, कुछ को नीचे पटक कर दांतों और ढाड़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने ही दैत्यों को केसरी ने नाखूनों से उनके पेट फाड़ डाले, कितने ही दैत्यों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से अलग कर डाले।
अन्यों की भुजाएं छिन्न भिन्न कर डाली, कितनों के पेट फाड़ डाले, गले के बाल फटकारता हुआ वह सिंह रुधिर पान करने लगा। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की सेना का नाश कर दिया। देवी ने उस असुर धूम्र लोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना का क्षय कर डाला। शुंभ ने जब यह समाचार सुना तो उसे महान क्रोध आया, उसके होठ कांपने लगे। उसने उसी समय शुंभ ने चंड और मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को जल्दी से लेकर आओ। उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर जैसे भी हो लेकर आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो उसके साथ युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के मर जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ खींच कर लेकर आओ। इस तरह आज मैंने आपको नवरात्रि के चौथे दिन का पाठ सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के पांचवें अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।